देश में लॉकडाउन के करीब 2 माह बीत जाने के बाद सोमवार से हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव को देखते हुए रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट और आसपास के चाकचौबंद व्यवस्था यहां पर की गई हैं। एंट्री और एग्जिट गेट पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है, साथ ही विमानतल पर ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन की व्यवस्था भी की गई है। हवाई सफर की शुरुआत हुई है। आज हम विवेकानंद विमानतल पर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ यात्रीगण मौजूद हैं, तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे कहाँ से आए हैं आप और क्या कुछ तकलीफ थी वहाँ पर। दिल्ली से आया और वहाँ तकलीफ ये था कि हम लोगों को लॉकडाउन के में तो काम बंद हो गया था, कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो वहाँ सबको तो बोल रहे थे कि राशन मिल रहा है कह के, लेकिन हम लोगों को ना तो 1 किलो आटा ना 1 किलो चावल मिले हैं। जितने भी थे सब उधार में खा रहे थे, सब्जी राशन सब चीज। कितने क्या कुछ परेशानियां थी आपको वहाँ पर, और ये पूछना चाहूंगी आपने अभी राशन की बात कही है, आप क्या काम कर रहे थे? बस क्या काम करते थे? लोडा का काम करता था मैं इंडिगो में। यहाँ पर और भी आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आई? दिल्ली से ही आए हैं। क्या कुछ परेशानी आपको हो रही थी? बस लॉकडाउन के चलते जो सब परेशानियां बता तो दी। तो हमने जाना इन यात्रियों से कि ये जो है दिल्ली से लौटे हैं और इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ये राशन के लिए तरस रहे थे और इनके पास जाने का भी कोई साधन नहीं था लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ पर ये जो है तमाम यात्रीगण छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और इन्हें छत्तीसगढ़ आकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। कैमरा मैन विक्रम देवांगन के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस। देश में आज से घरेलू हवाई सेवाएं